अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदा के फजल करम से ठीक ठाक हों। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्पेगेटी कैसे बनाते हैं। और मेरा नाम है खनसा फ्रॉम क्लास 5। तो चलाएँ मैं आपको बताती हूँ मैक्रोनी के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले मेरे लिए 2 चिकन क्यूब्स, 2 गाजर और 1 टमाटर लिए, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, हल्दी और चाट मसाला, काली मिर्च, नमक और सोया सॉस और चिली सॉस। तो चलाएं इसको बनाते हैं। स्टॉप करो। इधर मैंने गाजर और सोया सॉस और ये सब कुछ डाल दिए। तो टमाटर और गाजर जब थोड़ी सी नरम हो जाए तो फिर मैं इसमें मसाले वगैरह डाल। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च। तो ये मैंने लाल मिर्च डाल दी और 1 चम्मच चाट मसाला डाले और साथ ही डालिए 1 चम्मच हल्दी। तो इन सबको इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। डाल दी चिकन क्यूब, थोड़ा सा तोड़ तोड़ के डाल दिए मैंने इसमें। तो अब इसको भी साथ में मिक्स कर लें। तो मेरा थोड़ा सा सॉस कम हो गया था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच और चिली सॉस और सोया सॉस डाल दूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सॉस हमें ज़्यादा चाहिए कि स्पेगेटी हमारी ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाला और थोड़ी सी मैं इसमें 1 चम्मच काली मिर्च डालती हूँ अभी। तो ये देखिए मैं काली मिर्च डालती हूँ, काली मिर्च। और अब थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर नमक डाल दें बस। सॉस तैयार हो गया। तो अब मैं इसमें आराम आराम से स्पेगेटी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये स्पेगेटी मैंने इसमें डाल दी सारी। तो देखिए मैं स्पेगेटी डालूँगी और आराम से अब इसको मिक्स कर लें। ये मेरे मज़ेदार से मैक्रोनी बन के तैयार है। तो ये आप देख सकते हैं मेरी यमी और मज़ेदार से स्पैगेटी बन के तैयार है। तो ये देखें कितने मज़े के बने हैं।